ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती आज कई देशों में प्रचलन में है। कई देशों के किसान आज दीर्घकालिक खेती यानी लंबे समय तक चलने वाली खेती को लेकर भी काफी प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में एक ऐसा ही अजीबोगरीब प्रयोग सामने आया है। कई ऑर्गेनिक डेयरी के किसान इस प्रयोग के तहत गायों के शरीर में एक बड़ा सा छेद कर देते हैं। आपने शायद इस तरह की गाय को टीवी या इंटरनेट पर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाय के पेट में इस सुराख की आखिर वजह क्या है? देखने में बेहद अजीब लगने वाला यह सुराख दरअसल गाय की आयु को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए गाय के अंदरूनी हिस्से की जांच करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में गाय के शरीर में एक सुराख कर दिया जाता है। एक फिस्टुलेटेड गाय का पेट बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। इस सुराख को एक प्लास्टिक की रिंग से बंद कर दिया जाता है और इस सर्जरी के एक महीने के अंदर गाय पूरी तरह से सहज हो जाती है। गाय के पेट में इस गड्ढे को बनाने का मकसद काफी साफ है। इसके द्वारा वैज्ञानिक गाय की पाचन प्रक्रिया के बारे में पता लगा सकते हैं। गाय कौन सा खाना बेहतर तरीके से पचा सकती है और कौन से खाने से उसे दिक्कत होती है, यह सभी जानकारी इस प्रक्रिया के द्वारा पता लगाई जा सकती है। इससे गाय के पेट में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह फिस्टुला गाय के शरीर में जिस हिस्से में खुलता है उसे रूमन कहा जाता है। गाय को खाना खिलाने के बाद वैज्ञानिक इस फिस्टुला का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि गाय के शरीर में खाना किस स्तर पर पच रहा है। खास बात यह है कि गाय इस प्रक्रिया में विचलित नहीं होती है और आश्चर्यजनक रूप से यह गाय के लिए काफी फायदेमंद है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से गाय की आयु में बढ़ोतरी होती है। बीमार होने की स्थिति में गाय को दवाइयां सीधा पेट के रास्ते भी दी जा सकती हैं। इन फिस्टुलेटेड गायों के पेट में मौजूद माइक्रोब्स को परीक्षण के बाद दूसरे जानवरों में भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया की कई लोग आलोचना भी करते हैं। गाय के शरीर का एक हिस्सा निकालकर उनके पेट के संवेदनशील हिस्से को एक्सपोज करने की यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से प्रचलन में है। कई लोग भले ही यह मानते हों कि इस सर्जरी से गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते तक गाय असहज बनी रहती है। इस प्रक्रिया के आलोचक इसे केवल मीट और डेयरी कंपनियों के फायदे के तौर पर ही देखते हैं। इसके बावजूद यह प्रक्रिया पिछले कुछ समय से सस्टेनेबल खेती का एक तरीका मानी जा रही है। आलोचकों का यह भी कहना है कि अमेरिका में मौजूद फेडरल एनिमल वेलफेयर एक्ट ही एकमात्र ऐसा कानून है जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे जानवरों के अधिकार के लिए बना है, लेकिन गाय जैसे जानवर जो खेती बाड़ी के काम में आते हैं उन पर यह कानून लागू ही नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि इन फिस्टुलेटेड गायों के पास क्रूरता से निपटने के लिए किसी भी तरह की कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आजकल समय के अभाव के कारण मैं आप तक बहुत कम वीडियोस पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन यह मेरा आप सभी से वादा है कि अगले हफ्ते से मैं आपको हर हफ्ते 2 वीडियोस जरूर दिया करूंगा, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट हमारे चैनल में बना रहे। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर जरूर करें।